तो जिसका डर था वही हो गया। दर्शकों के लिए बढ़िया है, लेकिन थिएटर बिजनेस और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए तो खबर अच्छी नहीं है। निर्देशक शुजीत सरकार ने लॉकडाउन की वजह से चल रही अनिश्चितता और आर्थिक संकट को देखते हुए बड़ा फैसला ले लिया है। अमिताभ बच्चन आयुष्मान खुराना मच अवेटेड फिल्म गुलाबो सिताबो इज गोइंग टू रिलीज डायरेक्टली ऑन प्राइम वीडियो। इट इज अ ह्यूज डिसीजन। ऐसी खबरें बहुत दिन से आ रही थी एंड द शिफ्ट फ्रॉम थिएट्रिकल रिलीज टू ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैज फाइनली बिगन। फिल्म गुलाबो सिताबो वीडियो स्ट्रीमिंग करने वाली मशहूर कंपनी प्राइम वीडियो पर सीधे रिलीज होगी। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 200 देशों में एक साथ 12 जून को प्राइम वीडियो पर होने जा रहा है। ये एक कॉमेडी फिल्म है और पहली बार किसी फिल्म में अमिताभ बच्चन और आयुष्मान एक साथ नजर आएंगे। फिल्म इंडस्ट्री में आज की ये बड़ी खबर है। अमिताभ बच्चन का बड़ा विचित्र लुक है इसमें, आपने देखा ही होगा पोस्टर। 3 घंटे लगते थे ये मेकअप करने में। और बात सिर्फ गुलाबो सिताबो फिल्म की नहीं है, कई फिल्में लाइन में हैं जिनके बारे में खबर है कि आपके घर में ऑनलाइन टपकने वाली हैं। अमिताभ बच्चन की ही झुंड जिसमें वो गरीब बच्चों के फुटबॉल कोच बने हैं, निर्देशक अनुराग बसु की लूडो जिसमें अभिषेक बच्चन और राजकुमार राव हैं, मतलब पूरा बच्चन परिवार ही ओटीटी पर आ रहा है। इसके अलावा विद्या बालन की शकुंतला देवी, जानवी कपूर की गुंजन सक्सेना, ईशान खट्टर की खाली पीली, कियारा आडवाणी की इंदु की जवानी, ये सारी फिल्में भी थिएटर के बजाय सीधे आपके घर में ऑनलाइन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मतलब नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार वगैरह के जरिए पहुंचने की खबर है। तो मजे लीजिए, दर्शकों का तो फायदा ही फायदा है। लेकिन इस बात के, इस बड़े डिसीजन के मायने क्या हैं, ये समझने की भी कोशिश करते हैं। और क्या ये माना जाए कि ये बड़ा फैसला अब फिल्म इंडस्ट्री में सब कुछ बदल कर रख देगा। देखिए, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ और शूटिंग बंद हुई, थिएटर्स बंद हुए, वो सारी फिल्में फंस गईं जो रिलीज के लिए तैयार थी। ज्यादा समय तक इन्हें रोकना निर्माता के लिए घाटे का सौदा होता है, पैसा फंसा रहता है। दूसरे बिजनेस की तरह फिल्म इंडस्ट्री में भी पैसे का सर्कुलेशन होते रहना बेहद जरूरी है। फिल्म निर्माता हो या फिल्म स्टार या फिल्म से जुड़े दूसरे कुछ लोग, टेक्नीशियंस, इनके पेमेंट अटके हुए हैं, किसी ना किसी को पैसा चुकाना है। जो हालात हैं वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, तो थिएटर तो कुछ महीनों तक खुलते नहीं दिख रहे, और जब खुलेंगे भी तो भी गारंटी नहीं है कि लोग भीड़भाड़ वाले थिएटर में जाना पसंद करेंगे। तो वो टीवी पर ओटीटी के जरिए फिल्म रिलीज हो जाए उनके लिए, ऊपर से तो इसमें सबका फायदा नजर आता है। लेकिन बड़ा खतरा ये है कि अगर ये ट्रेंड शुरू हो गया और एक बार दर्शकों को आदत लग गई, तो फिर लॉन्ग रन में थिएटर का बिजनेस ठप होने का बड़ा खतरा है। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेंगे, और निर्माता जिन्हें थिएटर से कमाई होती है, म्यूजिक राइट से कमाई होती है, सैटेलाइट राइट से कमाई होती है, ओवरसीज राइट से कमाई होती है, मतलब अलग अलग जगह से पैसा आने के बजाय बस एक ही कंपनी यानी ओटीटी कंपनी से पैसा आएगा, तो नुकसान तो सबका होगा। इसलिए गौर कीजिए, ये जो भी फिल्में जिनके डायरेक्ट ऑनलाइन रिलीज होने की खबरें हैं, ये सब की सब छोटे या मीडियम बजट की फिल्में हैं, ऑफ बीट फिल्में हैं, अलग अलग तरह के कंटेंट वाली, जिन्हें रिलीज करना या तो आसान नहीं होता या फिर उनकी बम्पर ओपनिंग की गारंटी नहीं होती, जैसे कि सलमान खान की फिल्म की होती है। तो ऐसी कम बजट या मीडियम बजट वाली फिल्में ओटीटी पर रिलीज करने के लिए सेफ मानी जाती है। गुलाबो सिताबो इसी तरह की फिल्म है। अब खबर यह भी थी कि 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप विक्ट्री पर बनी रणवीर सिंह की बिग बजट फिल्म 83, सलमान की राधे, अक्षय कुमार की लक्ष्मी बम भी थिएटर के बजाय ऑनलाइन रिलीज हो सकती है। लेकिन फिलहाल इस खबर पर किसी ने ठप्पा नहीं लगाया है। कुछ साल पहले जब टाटा स्काई का जोर था भारत में, तब भी यह खबर आई थी कि फिल्में टाटा स्काई पर थिएटर से एक दिन पहले रिलीज होंगी और जो भी चाहे वो ज्यादा पैसे देकर घर में एक दिन पहले फिल्म देख सकता है। लेकिन ये बात भी आगे नहीं बढ़ी थी, ऐसा नहीं हुआ था। कहते हैं थिएटर चलाने वाले लोगों की लॉबी इसके लिए आसानी से तैयार नहीं होगी। इसलिए पूरा शिफ्ट तब माना जाएगा जब बड़े बजट की सुपरस्टार्स वाली फिल्में जो 200-300 करोड़ कमाती हैं, वैसी फिल्में जब सीधे ऑनलाइन आएंगी, तब मानिएगा कि फिल्म का बिजनेस बदल गया। ऐसा हो सकता है अगर देश अगले कई महीनों तक बंद रहा तो यह मुमकिन है। या ऐसा भी हो सकता है कि सारे थिएटर भी अब ओपन एयर थिएटर हो जाएं, लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर सामने बड़े पर्दे पर फिल्में देखें। हर इंडस्ट्री बदल रही है दुनिया की, तो फिल्म इंडस्ट्री कैसे अलग रह सकती है। लेकिन फिलहाल गुलाबो सिताबो की डायरेक्ट रिलीज को पूरा शिफ्ट मत मानिए, उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। तब तक गुलाबो सिताबो का मजा लीजिए। ABP News आपको रखे आगे।